हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास सेवन्थ साइंस का चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के लिए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने सारी डेफिनेशन लिख रखी है टाइम सेविंग के लिए, तो चलिए जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा जो फूड है वो टेक किया जाता है, मतलब लिया जाता है अंदर, एंड इट्स यूटिलाइजेशन और इसका यूज़ किया जाता है बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा। द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूट्रिशन इज़ टू नॉरिश। जो न्यूट्रिशन वर्ड है उसका मीनिंग है नॉरिश। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे प्लांट है वो शो करता है न्यूट्रिशन के टाइप्स। तो कौन कौन से होते हैं वो इसमें इस टेबल में देख लेते हैं हम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स तो कितने होते हैं, दो होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हिटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का कोई पार्ट नहीं होता और हिटरोट्रॉप्स के चार पार्ट होते हैं, इंसेक्टिवोरस, पैरासाइट्स, साइम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो पहले हम वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स करेंगे, मतलब ऑटोट्रॉप्स करेंगे पहले। तो हमें पता होना चाहिए ऑटोट्रॉप्स होते क्या है। तो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस ऑब्टेंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो प्लांट्स है वो अपना खाना अपने आप ही बनाते हैं। किसकी हेल्प से, सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से जो कि हमें ऑब्टेंड होते हैं एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो ये कैसे बनाते हैं अपना खाना, इन्वायरमेंट से सिंपल सब्सटेंसेस लेके। और इसका एग्जांपल क्या है सिंपल सब्सटेंसेस का, जैसे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आगे देखते हैं डेफिनेशन। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोपोस मीन्स नॉरिशमेंट। इसमें बता रखा है कि जो ऑटो है उसका मीनिंग होता है सेल्फ, अपने आप, और ट्रोपोस मीनिंग नॉरिशमेंट मतलब पोषण, अपने आप ही पोषण लेना। ठीक है, द लिविंग थिंग्स विच मेक देयर ऑन फूड आर कॉल ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। ऐसे लिविंग थिंग्स जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं ना, वो जो अपना खाना अपने आप ही तैयार करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ग्रीन प्लांट्स। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हिटरोट्रॉप्स में आते हैं, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप्स का। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हमें ये प्रोसेस चाहिए, वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं किसकी है? कौन सी प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कैसी होती है वो फोटोसिंथेसिस, अब इसमें देख लेते हैं। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स की लीव्स है वो एब्जॉर्ब करती है सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, थ्रो किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, एंड यूजेस द सन्स एनर्जी टू कंबाइन CO2 एंड H2O टू फॉर्म ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो प्लांट्स लीव्स है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सूरज की रोशनी से किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एंड यूजेस द सन्स एनर्जी, और उस जो सनलाइट ली है उसका यूज़ भी करते हैं, किसमें करते हैं यूज़, टू कंबाइन CO2 एंड H2O टू फॉर्म ग्लूकोज। कंबाइन एक दूसरे से मिलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, उनका खाना बनाने के लिए। CO2 एंटर्स इन प्लांट्स और स्टोमेटा। अब देखते हैं कि CO2 आती कहाँ है और वाटर कहाँ से आता है। CO2 जो है वो एंटर करती है प्लांट्स में किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। एंड H2O एंटर्स इन प्लांट्स थ्रू रूट्स ऑफ प्लांट्स इन सोयल। और जो H2O है वो प्लांट्स में एंटर करता है किसके द्वारा, जो प्लांट्स की रूट्स होती है सॉइल में उसके द्वारा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाता है अपना खाना। पहले तो उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर चाहिए वाटर, वाटर भी चाहिए होता है, प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी सनलाइट की, और सनलाइट फिर हमें मिलेगी नहीं। इनमें से मान लो एक भी चीज़ कोई गायब हुई तो मतलब फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो बनाती है ग्लूकोज, इन ये चारों मिलके ग्लूकोज बनाया। फिर वो बाहर छोड़ती है ऑक्सीजन और वाटर, क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन और वाटर। और जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, और ये डायग्राम है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, ये लाइट एनर्जी आई, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिली से देखिए, ठीक है, यहाँ से रूट्स में वाटर एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, और फिर इसने ऑक्सीजन बाहर निकाली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या कंडीशंस है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड
मिनरल्स। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस, फोटोसिंथेसिस इज वेरी नेसेसरी। जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत ज़रूरी है प्रोसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे जीवित रहने के लिए जो फोटोसिंथेसिस है वो बहुत नेसेसरी है। विदाउट दिस, इसके बिना एनीबॉडी, कोई भी कैन नॉट सर्वाइव, कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। बाय दिस प्रोसेस वी ऑल गेट फूड एंड ऑक्सीजन। इसके द्वारा हमें फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। प्लांट्स इसकी द्वारा ही तो बनाते हैं मतलब अपना खाना इस प्रोसेस के द्वारा। तो खाना बनाते हैं, उस खाने को हम तोड़ लेते हैं उन प्लांट से, तो हमें फूड मिला। और वो छोड़ते हैं जब ये ग्लूकोज बना लेते हैं ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीजन भी मिली, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ना फूड के बिना। तो फोटोसिंथेसिस इसके लिए ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। ओके, बाय बाय।